आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं जयपुर जाने के लिए यहाँ पर हम वेट कर रहे थे हमारे टैक्सी वाले भैया का बच्चे टाइम पास करने के लिए सारे बैग्स को उठा उठा कर देख रहे थे कि आखिर कौन सा बैग ज्यादा भारी है किसके बैग में ज़्यादा वज़न है हविशा ने अपना बार बैग उठाया इतने में हरिका ने कहा नहीं मैं भी अपना बैग उठाऊंगी वो बैग इतना भारी था कि वो उठा ही नहीं सकी और इंतज़ार की घड़ियां हुई थी ख़त्म थोड़ी देर में आ गई थी हमारी टैक्सी हम सब ने अपना बैग रखा हविशा ने कहा कि नहीं मेरा बैग मैं ही रखूंगी बहुत सेफ़्टी के साथ में टैक्सी वाले भैया ने भी हमारी थोड़ी हेल्प की उन्होंने पूरा लगेज सेट किया और इसके बाद हम चल दिए हमारी मंजिल की ओर थोड़ी दूर पर जाने के बाद में रास्ते में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक छोटा बैग मैं वहीं पर भूल आई हूँ तो मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप लोग ठहरो और मैं बैग लेके आता हूँ हम लोग यहाँ पर कर रहे थे वेट और यहाँ पर हमेशा हरिका को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी बार बार टाइम पूछ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फ़्लाइट छूट जाए मैंने हरिका को प्रॉमिस किया कि आपकी फ़्लाइट नहीं छूटेगी और थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड हमें वो बैग देके चले गए और हम लोग वापस फिर से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए हमारे टाउनशिप से एयरपोर्ट लगभग 45 किलोमीटर दूर है जहां जाने में लगभग एक घंटा हमें लग जाता है अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और टैक्सी में ट्रैवल करते करते बच्चे हो गए थे बोर हरिका बैठी थी हविशा की गोदी में बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि कब आएगा एयरपोर्ट कब आएगा एयरपोर्ट आखिर वो बाहर का नज़ारा भी कितनी देर देखते हैं और यहाँ पर बच्चों के इंतजार की घड़ियाँ हो चुकी थी ख़त्म हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट और जैसे ही बच्चों ने एयरपोर्ट देखा बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हमने हमारा पूरा लगेज ट्रॉली में जमा दिया हमारे श्याम सुंदर भी यहीं पे बैठे थे हमेशा को यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो शूट करना था जो उसने एक छोटा सा वीडियो शूट किया और यहाँ पे बहुत सारे टिकट काउंटर्स थे और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम अंदर एयरपोर्ट में आ गए यहाँ पर मैं टिकट चेक इन काउंटर नंबर ट्वेंटी एट पे अपना पूरा लगेज रख रही थी हविशा का बारबी डॉल के ऊपर टैग लगा और जैसे ही टैग लगा बच्चे पीछे से खुश हुए ये देखे कि हाँ, आखिरकार हमें फ़्लाइट मिलेगी उसके बाद में मैंने बोर्डिंग पास कलेक्ट किए और हम सीधा चलिए बोर्डिंग गेट की तरफ बोर्डिंग गेट जाने से पहले हमें सिक्योरिटी चेकिंग प्रोसेस से गुजरना था सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में हम लोग हमारे बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुके थे और जैसे ही हम बोर्डिंग गेट के पास में पहुंचे बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो बच्चों ने कहा हमें ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि मॉर्निंग में इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था खुशी खुशी में यहाँ पे बच्चों ने कुछ खाए सैंडविचेस जो कि मैं घर से प्रिपेयर करके लेके आई थी और थोड़ी देर बाद में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी हम सब फ्लाइट में बैठ गए और यहाँ पर हविशा और हरिका साथ में बैठे थे केशु और मैं साथ में बैठे थे केशु और हरिका को मिली थी विंडो सीट मुझे और हविशा को मिली थी मिडल सीट अक्सर ऐसा होता है कि छोटों की खुशी के कारण बड़ों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है हविशा चाहती थी विंडो सीट पर बैठना बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ दो ही विंडो सीट थी और यहाँ पर फ्लाइट जैसे ही रेडी हुई टेकऑफ़ के लिए बच्चों ने अपने अपने लॉलीपॉप्स निकाली और वो इन्जॉय करने लगे फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ये जो व्यू है ये बेंगलोर सिटी का नहीं है क्योंकि बेंगलोर सिटी थोड़ा अंदर जाके है ये आसपास के जो गांव है उसका व्यू है यहाँ से आप देख भी सकते हैं और ये बादल कितने सुंदर लग रहे हैं बादलों के बीच से जाना बहुत ही सुंदर लग रहा है हरिका का कहना था कि क्या हमें यहाँ पर नारद जी मिल जाएंगे बादलों में घूमते हुए बच्चे मजाक ही मजाक में अपना टाइम पास कर रहे थे और यहाँ पर हरिका को फिर से भूख लगी एक सैंडविच बचा था जो कि मैंने उसे दे दिया और उसने खाया बच्चे एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे हरिका और हविशा एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे और यहाँ पर हविशा हरिका को जितने भी पार्ट्स हैं वो सब समझा रही थी उसे बता रही थी कि ये होता है विंडो शेड ये होती है विंडो ये होती है ट्रे टेबल और हरिका बहुत ध्यान से अपनी दीदी को सुन रही थी हविशा ने हरिका को समझाया ये जो एरिया है इसे कहते हैं रूम इतने में हरिका ने कहा ये जो लेग रूम है ये बहुत ही छोटा है और ये होता है बाफ बैग और यहाँ पर टाइम पास करने के लिए हविशा ने हरिका को समझाया कि टेक ऑफ क्या होता है एयरबॉर्न क्या होता है और लैंडिंग क्या होती है हविशा ने हरिका को एक एक चीज़ समझाई कि ये जो सिग्नल है ये है नो स्मोकिंग का ये है ये है फासन सीट बेल्ट का अटेंडेंट कॉल क्या है रीडिंग लाइट क्या होती है वेंट क्या होता है हरिका बहुत ही ध्यान से सुन रही थी उन दोनों का टाइम पास हो रहा था यहाँ पर हवीशा थोड़ा बोसीनेस भी दिखा रही थी हरिका को तो फिर हरिका नाराज़ हो गई उसने कहा मुझे आपसे नहीं सुनना मुझे आपसे नहीं सुनना इसी नोक झोंक में टाइम पास होता रहा हवीशा ने कहा नहीं मैं केशु को समझा देती हूँ जैसे ही हवीशा ने कहा कि नहीं मैं केशु को समझा देती हूँ तो हरिका ने उसे सॉरी बोला और वो दोनों बहनें फिर से एक दूसरे के साथ इंजॉय करने लगी और यहाँ पर हवीशा बताते बताते थक चुकी थी टायर्ड हो चुकी थी और हरिका सुनते सुनते टायर्ड हो चुकी थी हरिका ट्रे टेबल के ऊपर ही सो गई थी और हवीशा भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी थी क्योंकि देखने के लिए आज सच कुछ था नहीं ये बादल ही थे जिसे देखते देखते वो बोर हो गए थे और अब हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी जैसे ही जयपुर सिटी आई जैसे ही जयपुर सिटी को देखा बच्चों ने वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उनकी टायर्डनेस जो थी वो छू मंतर हो चुकी थी यहां पर हरिका कहती है कि दीदी -दी, मेरे कानों में कुछ हो रहा है नॉर्मली लैंडिंग के समय कानों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर हो चुकी थी लैंडिंग और हम जयपुर पहुँच चुके थे और जैसे ही हम जयपुर एयरपोर्ट के अंदर आए यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स थे जो कि यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे हविशा ने कहा मुझे भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करनी है मैंने उसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद में मैं सीधा चले गई कैरसोल पे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए और यहाँ पर केशव बहुत ही एक्साइटेड होकर इधर उधर देख रहे थे एयरपोर्ट पर पूरा घूम रहे थे This is called carousel. Oh, carousel. राजस्थानी कल्चर के पोर्ट्रेट पूरे जयपुर एयरपोर्ट में लगी हुई थी जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड लग रही थी और यहाँ पर कैरासोल पे हमने हमारा बैग लिया और पूरा लगेज कलेक्ट करने के बाद में हमने हरिका और केशु को बिठाया ट्रॉली में और हम बाहर चल दिए अगर आप जयपुर घूमने आते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट पे यह है क्यू आर कोड जिसे आप जब अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो ये सीधा राजस्थानी टूरिस्ट यूट्यूब चैनल पर आपको ले जाएगा और यहाँ की सारी जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेज है उन सब के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी और हम एयरपोर्ट से बाहर आए यहाँ पे मैं मेरे फादर का वेट कर रही थी जो कि हमें रिसीव करने के लिए आने वाले थे बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था वो लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि घर पहुँच के कौन क्या करेगा हविशा कह रही थी मैं रेस्ट करूंगी हरिका कह रही थी मैं खेलूंगी और यहाँ पे मेरे फादर आ चुके थे बच्चों ने धोखाई और अब हम चल दिए हमारे घर की ओर अरे जो आप खाओगे वही बना के रखा है जल्दी चलो जल्दी चलो जयपुर के के? तो हाँ। पहुंच के पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे लगता है चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ अपने नेटिव प्लेस अपनी जगह पहुंचने की जो खुशी होती है वो इनकम्फर्बल होती है और यहाँ पे हम हमारे घर पहुंच चुके थे वी आर लेट बट हविशा इज वेरी एक्साइटेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो